शाम ढलते ही शत्रु ने अंधेरे का लाभ उठाकर भारी संख्या में सोलह बिहार के पेट्रोलिंग दल पर हमला कर दिया। कमान अच्छे सबाई आशा करी सबाई भलो आज तो आज के जे हमारे वीडियो टॉपिक टी सेटिंग होच्छे जे हमारे विषय राजेश उरांग तो आगे बच्चों दुर्गा पूजा समय पटना थे आर्मी बेस कैम्प थे विषय राजेश उरांग समेत जरा हमारे सैन्य शहीद हो ते समस्त परिवार के एक करे सम्मान दिए तो से वीडियो सामने आज के तुले धरब संगे थकबें अवश्य चैनल के सबसक्राइब कर रखम वीडियो हमें प्रत्येक दिन आपलोड करते थक तो चलो शुरू करा जा वीडियो। कई प्रयासों के बाद भी जब दुश्मन नहीं माना तो 15 जून 2020 को 16 बिहार के कमान अधिकारी कर्नल वी संतोष बाबू की अगुवाई में गलवान घाटी में स्थित पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर एक बैठक का आयोजन किया गया जहां शत्रु ने भारतीय सीमा से पीछे हटने की बात को स्वीकार किया परंतु शत्रु का मंसूबा धोखे और फरेब से भरा था। शाम ढलते ही शत्रु ने अंधेरे का लाभ उठाकर भारी संख्या में 16 बिहार के पेट्रोलिंग दल पर हमला कर दिया। 16 बिहार के साथ 12 बिहार के दस्तों ने अचानक से किए गए चीनी हमले को परास्त किया और निहत्ते ही दुश्मनों पर टूट पड़े। सोलिंग 16 के कमान अधिकारी कर्नल वी संतोष बाबू के नेतृत्व में वीर बिहारीलाल बांकुरों ने अपने घावों की चिंता किए बिना उत्तम बुद्धा की लड़ाई में कई चीनी सैनिकों को मार गिराया और अनेकों को घायल कर दुश्मन को धूल चटाई। जंग में विजय श्री वीरों के बलिदान से ही प्राप्त होती है और गलवान के द्वंद में 16 बिहार के कमान अधिकारी समेत रेजिमेंट के 12 वीर सपूतों ने अंतिम सांस तक लड़ते हुए मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की आहुति दी मानो जैसे उनके मन में एक ही भाव रहा हो कदम कदम बढ़ाए जा खुशी के गीत गाए जा ये जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जा। इन अमर बलिदानियों के पराक्रम को पूरे देश ने सराहाया और शत शत नमन किया। देश तो सेना पर गर्व करता ही लेकिन गौरव के साथ इस बात का जिक्र करना चाहूंगा कि पराक्रम बिहार रेजिमेंट का है हर बिहारी को इसका गर्व होता है और जिन वीरों ने देश के लिए बलिदान दिया है उनके प्रति नमन करता हूं। बिहार के भी हमारे जो साथी जिन्होंने बलिदान दिया है उनके प्रति मैं अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। बारात चली
बारूद से नहीं बने, न हमारे सीने में दिल की जगह डायनामाइट है, न आंखों में पानी की जगह आग, हम एकदम तुम्हारे जैसे हैं। हमें भी जब अपनों की याद सताती है तो चैन की सांस नहीं लेने देती। हमारी धड़कनों में हिंदुस्तान है लेकिन वर्ष में 5 बरस की बेटी। किसी की फोटो सीने से लगा के सोते हैं, किसी का दिया हुआ तावीज पहन के खुश होते हैं, और घर से चिट्ठी आती है तो लिफाफा चूम के रोते हैं। हमें दवाओं और मरहमों की कमी नहीं, लेकिन जब कभी कोई गोली बाजू चीर जाती है तो माँ की भूख बहुत याद आती है। तो अगली बार जब अखबार में खबर पढ़ना कि गलवान की घाटी में 20 फौजी शहीद हो गए, तो हमें गिनती समझ के भूल मत जाना, साथ ही समझ के याद रखना, क्योंकि हम एकदम तुम्हारे जैसे हैं।